अनुज, मुझे आपसे पूछना है। हम कविता सुनते हैं और कुछ क्षणों के लिए संवेदनशील हो जाते हैं। हमें लगता है हाँ यार, आदिवासी हैं, सच्ची मुच्ची में होते हैं, सिर्फ ट्राइबल मिनिस्ट्री के कैलेंडर में नहीं होते हैं, सिर्फ उन चीज़ों में नहीं होते हैं जो हम हैंडीक्राफ्ट के सलून से, यानी हैंडीक्राफ्ट की दुकान से खरीद लाते हैं, अपनी मेज़ पर और अपने शीशे के पीछे सजा लेते हैं। और हमें लगता है वी आर वेरी अर्दी, वेरी कूल, यू नो, वी आर अर्बन बट वी आर वेरी आर्टिस्टिक। क्या है आदिवासी समाज जो शहर को देखना चाहिए, जानना चाहिए, इश्तिहारों से परे जाकर? एक बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि एक जो गलतफहमी बनी है या फिर किसी वजह से बना दी गई है कि एक जब भी आप आदिवासी की बात करते हैं या ट्राइबल की बात करते हैं, एक रोमांस आपको एहसास होता है। बिल्कुल आपको लगता है कि वाकई एक काल्पनिक या रहस्यमय वाले दुनिया और वैसे लोग हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम भी इंसान हैं, आप भी इंसान हैं। हाँ, उनकी अपनी फिलॉसफी है, उनका अपना जीवन दर्शन है, उनकी अपनी सांस्कृतिक बुनावट है, ऐतिहासिक बुनावट है, और निसंदेह वह उनकी अपनी है। और कई मामलों में जिसको आप मेनस्ट्रीम कहते हैं या सर्व समाज कहते हैं, ठीक है, उससे ज़्यादा डेमोक्रेटिक भी है। और ख़ास तौर से इस दुनिया के बारे में, जिस दुनिया में हम आप रहते हैं, जिसके लिए एक बुनियादी ज़रूरत होती है हवा, पानी और भोजन की, उनके लिए भी वैसे ही है। हाँ, वे उन चीजों के लिए मुझे लगता है यहाँ से ज्यादा सेंसिटिव हैं, और ना केवल सेंसिटिव हैं, वे उन चीजों के लिए लड़ने की ताकत भी रखते हैं। और शायद यही वजह है कि उनके यहाँ दिल्ली जैसा इस तरह कोई फो या पॉल्यूशन वाली बात नहीं है। और हम जब बात करते हैं विकास की या इस तरह की चीजों की, क्या उन्हें नहीं चाहिए या चाहिए, बहुत ही ज़रूरी बात है जिस पर हमें विचार करना चाहिए कि हम जिस तरह बेलगाम होकर दौड़ते जा रहे हैं, और उसके लिए अगर कोई सवाल खड़ा कर रहा है अपनी ज़मीन से, यूँ कहे आदिवासियों के जो प्रश्न हैं, चाहे तीखे रूप में ही क्यों ना मौजूद हों, ठीक है, हमें उन पर ठहर कर विचार करना चाहिए कि क्या उनकी जो बातें हैं, उनकी जो फिलॉसफी है, उनका जो सोचना है, क्या वाकई उनका एक विश्व बोध भी है, दुनिया को देखने का नजरिया उनका भी है जो हम सबके लिए हितकर हो सकता है। मुझे लगता है इस एंगल से देखने की कोशिश करनी चाहिए। और ये जो एक टाइप बन गया है कि आदिवासी है तो ऐसा है वैसा है, उनका कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हम उनके लिटरेचर पे जाएंगे, उनके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे जाएंगे, तो हम देखते हैं कि इतना बड़ा चिंतन है, इतना बड़ा उनका विचार है, उनकी फिलॉसफी है, और ये सारी चीज़ें कमतर आई है, और ये आनी चाहिए। ये लेखन के और लिटरेचर और कला के माध्यम से ही आ सकती है।